बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी कि विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्था है, उसमें अपन जो चौथी इकाई है स्विट्जरलैंड का संविधान, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता है, स्विट्जरलैंड के राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, उनका विकास, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास कैसे, स्विट्जरलैंड के संविधान की विकास यात्रा और स्विट्जरलैंड के संविधान की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में सहयोगी कारक, इनके बारे में अपन ने पिछले व्याख्यानों में देखा है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार स्विट्जरलैंड का जो लोकतंत्र है, स्विस लोकतंत्र है, बहुत ही अनूठा अद्भुत है। आज की तारीख में भी जब दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है, जहां पर शायद संभव न हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों यानी कुछ जिलों में यह अब भी मौजूद है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान किस प्रकार अस्तित्व में आया, और अनेक प्रकार से यूरोप में जब बहुत अशांति रही, राजनीतिक उथल पुथल की अवस्था रही, उस बीच में भी रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह स्विट्जरलैंड जो है वो शांति का एक द्वीप बना रहा, उसको तटस्थ भी उसने घोषित किया खुद को। ये कैसे हुआ, तो इसके पीछे उसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं रही है, इसके बारे में अपन ने देखा। अब अपन राजनीति स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसको पॉइंट वाइज अपन देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। छोटा देश है, 50 लाख की आबादी है, लेकिन वो मैंने जैसे पहले कहा था कि स्विट्जरलैंड के संविधान की अपनी कुछ अद्भुत बातें हैं जो इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सबसे पहला स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता है कि निर्मित लिखित और एक अपने देश के आकार के हिसाब से अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। स्विट्जरलैंड के संविधान की अगर तुलना भारत, अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों से करें, तो ये संविधान भी निर्मित और लिखित है। ब्रिटेन के की भांति अलिखित नहीं है, बल्कि लिखित है और लिखित और निर्मित है। 1848 में जो संविधान स्विट्जरलैंड में बना, वो 1998 तक लागू था, और एक व्यापक संविधान, उस छोटे से देश के आकार के अनुसार एक व्यापक ही संविधान माना जाएगा। 1998 और 1999 में जो संविधान में संशोधन हुआ और जो संविधान लागू हुआ, वो संविधान लगभग अब तक व्याप्त है। और 1998 में जो संविधान बना, वो पूर्व में संविधान जो था उसकी तुलना में और भी अधिक व्यापक हो गया है ना। 1848 में जो निर्मित संविधान था, वो अपने संशोधित रूप में उसमें 123 धाराएं और 3 अध्याय थे, और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के संविधान के लिए अपेक्षाकृत, अब अमेरिका से तुलना करें तो बहुत, 7 अनुच्छेद, तो स्विट्जरलैंड का संविधान अपेक्षाकृत बड़ा है। और इसके बड़े होने का कारण के कुछ कारण हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिनका शायद संभवतः है संवैधानिक महत्व तो नहीं है, वो भी इस संविधान में इनका उल्लेख किया गया। जैसे हंटिंग, शिकार, मत्स्य पालन है ना, गैम्बलिंग, इनका भी संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। और जो संघीय सरकारें हैं, सरकार है, और कैंटनों की सरकारें हैं, उनके अधिकारों को भी बहुत ही अत्यधिक विस्तार से बताया गया है ना। एम्बिग्यूटी या फिर कोई जो है वो किसी तरह के शंका सा न हो, इसका ध्यान रखा गया है। तो इसलिए संविधान वर्तमान में जो संविधान है 1998 के बाद से, उसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं, तो ये अपेक्षाकृत व्यापक माना जाएगा। दूसरा, संविधान स्विस संविधान जो है वो अपेक्षाकृत कठोर संविधान भी है, यानी कि वहां संशोधन कम हुए हैं और संशोधन की संभावना और गुंजाइश भी, जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कठिन ही है। संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण संविधान वहां पर स्वाभाविक रूप से कठोर है, क्योंकि तो बहुत आसानी से संविधान संशोधन नहीं होता है। और भारत के विपरीत स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत कठोर है, जस्ट लाइक जैसे अमेरिका के संविधान में, हम सभी जानते हैं 27 संशोधन अमेरिका के संविधान में हुए, और वो बहुत बहुत 2.25 साल में इतने ही संशोधन हुए, जबकि भारत में तो मात्र 70 सालों में 100 से अधिक संशोधन हो गए। तो स्विट्जरलैंड का संविधान अपेक्षाकृत कठोर संविधान है। फिर तीसरी प्रमुख विशेषता संविधान की,
स्विट्जरलैंड एक प्राचीनतम गणराज्य गणतंत्र के रूप में संविधान द्वारा विकसित किया गया है, मान्यता प्राप्त है। लगभग 1870 तक स्विट्जरलैंड जो है वो मात्र यूरोप का एकमात्र गणराज्य था, और तब जबकि सामान्यतः यूरोप के सभी देशों में निरंकुश राजतंत्र या लोकतंत्रों का अभाव था, उस समय स्विट्जरलैंड का के जो कैंटन्स थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी जनता को अपने शासन को नियुक्त करने निर्वाचित करने का पर्याप्त अधिकार होता था शासन पर नियंत्रण रखने का। और स्विट्जरलैंड में राजतंत्र नहीं रहा, इसलिए वो वहाँ की गणतंत्रीय वहाँ की लोकतंत्रीय व्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित रही है। एक और विशेषता जिसकी प्रायः चर्चा होती है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन अभी भी हैं, जिसमें एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन हैं। पूर्ण कैंटन ग्लेरस और अर्ध कैंटन ओबावाल्डे, नीडवाल्डे, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी भी विद्यमान है, जो कि आबादी बहुत कम है, इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्रियान्वित भी होता है, कार्यरत भी रहता है। और इसलिए ब्राइस का कहना है कि वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में जो वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे बड़ा है, क्योंकि यह सबसे पुराना लोकतंत्र है, और क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन सदियों उस समय से चला रहा है जब संसार के किसी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। यद्यपि भारतीय विचारक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भारत में तो प्राचीन काल से लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासकों पर के दायित्व तय किए गए हों, या फिर जो वज्जी संघ था, जो गणराज्य वज्जी गणराज्य है ना वैशाली, वो गणतंत्र का प्राचीनतम उदाहरण है, भारत में मौजूद रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गणतंत्र प्राचीनतम, लेकिन यूरोप में हम कह सकते हैं, और जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी रही है स्विट्जरलैंड में वो तब से अब तक अनवरत जारी है। पांचवी प्रमुख विशेषता है वो है संघीय व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में एक स्विट्जरलैंड को कन्फेडरेशन कहा गया है, लेकिन वास्तव में वह कन्फेडरेशन न होकर एक फेडरेशन ही, यानी संघीय देश है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं, चाहे वो शक्तियों का विभाजन हो, संघीय न्यायपालिका हो, राज्यों की अपनी अलग नागरिकता हो, दो सदनात्मक व्यवस्था हो संघीय स्तर पे, या समान रूप से प्रतिनिधित्व हो, ये सभी संघीय लक्षण मौजूद हैं। तो वो संघवाद ही है कुल मिलाकर। कन्फेडरेशन कहने के लिए है राज्यमंडल, लेकिन है तो संघवाद। 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन हैं, तो जो टोटल है वहां पर कैंटन और अर्ध कैंटन, वो उनको संघीय आधार पर अधिकार भी प्राप्त है संविधान के द्वारा, है ना। अपने संघीय उच्च सदन में सभी को 2 प्रतिनिधि अधिकार भेजने का अधिकार है ना। अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। आनुपातिक संविधान जनसंख्या के अनुपात में न होकर सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में यानी केंद्रीय विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन व्यवहार में वहां भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये सभी जो है ना संघीय है, एक संघवाद के लक्षण हैं जो कि मौजूद हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड में मौजूद है। फिर बहुल कार्यपालिका, ये बहुत ही प्रमुख विशेषता है स्विस संविधान की। कार्यपालिका बहुल है। कार्यपालिका कहते हैं कि एक होनी चाहिए, जैसे ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत कहता है कि एक ही कार्यपालिका प्रधान एक ही होनी चाहिए, है ना। और वह कुल मिलाकर एकल संप्रभुता की ओर अपने को ले जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में देखें तो कार्यपालिका शक्ति जो है किसी एक जगह एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार होती है, और इन 7 सदस्यों की शक्तियां लगभग एक जैसी समान, एक शक्तियां समान है, और इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। इस प्रकार जो है ना ये बहुल कार्यपालिका लोकतांत्रिक देशों में सामान्यतः नहीं है आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में। यद्यपि जो पूर्व का सोवियत संघ था वहाँ जो शासन व्यवस्था थी
जिसमें एक प्रेसिडियम हुआ करता था, प्रेसिडियम जिसमें साम्यवादी बड़े नेता होते थे, वो थोड़ा सा बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में बहुल कार्यपालिका का सक्रिय उदाहरण स्विट्जरलैंड ही है। फिर एक प्रमुख विशेषता है कि ये सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 15 से जो है ना 15 में इस पंथ निरपेक्षता सेक्युलर स्टेट का, सेक्युलर स्टेट की विशेषताओं का, उसके संपूर्ण इसका वो की व्याख्या की गई है। और राज्य को पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। ये जो है एक और प्रमुख विशेषता है कि वह है बहुभाषी राज्य है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी है, जहाँ पर जर्मन तो बहुमत में है, जर्मन भाषा भाषी, लेकिन फ्रेंच भी 20% है, इटालियन भाषा भाषी भी है, रोमन्स जो भाषा है, स्कैंडिनेवियाई भाषा भाषी लोग भी हैं। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड जो है वो बहुभाषी राज्य है और इसलिए बहुत ही विविधतापूर्ण है एक प्रकार से भाषा के संबंध में। यह भी एक खास विशेषता है। अगर यूरोप के अन्य देशों को देखें तो इतनी विविधता संभवतः नहीं मिलेगी, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, पास में फ्रांस हो या फिर सोवियत संघ हो, जहाँ पर एकल भाषा का इम्पोजिशन, एकल भाषा रही है और वो एकता स्थापित करने में बहुत सहयोगी रही है। लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुभाषी होने के बावजूद राजनीतिक एकता, राष्ट्रीय एकता रही है। तो ये जो है ना, फिर एक और प्रमुख विशेषता है कि मौलिक अधिकारों की व्यापकता। स्विट्जरलैंड के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार पहले 1848 के संविधान में भी प्राप्त थे, और जो बाद में 1998 और 99 में जो संशोधन हुआ उसमें भी मौलिक अधिकार अधिकार पत्र के रूप में विद्यमान है, और यह और भी व्यापक हो गया है। विश्व के किसी भी अन्य संविधानों की तुलना में यहाँ पर बहुत अधिक व्यापकता से इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक, स्विट्जरलैंड के संविधान में 7 से 36 तक इन मौलिक अधिकारों के संबंध में व्याख्या की गई है। और उद्देश्य भी इसका है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा और रक्षा की जाएगी। तो ये जो है स्विट्जरलैंड के संविधान को और ज्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करता है। ये कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके बारे में अपन ने देखा। और स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर जब प्रश्न होगा, चाहे छोटे हों बड़े हों, इनके तथ्यों का भी अध्ययन करें, और इसके आधार पर जब बड़ा प्रश्न हो तो उसको भी लिखने का प्रयास करें। इसके बाद अपन स्विट्जरलैंड के संविधान की अन्य दूसरे प्रावधानों के ऊपर आएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि उनके विकास में, उनका विकास कैसे हुआ, वहाँ सरकारें कैसी चलती रही है।